हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब भतीजे समझे, समझ लेना चाहिए। अगर समझ लेंगे तो सरकार बना लेंगे। मुख्यमंत्री हमें तो बनना नहीं, हमने पहले भी कहा था, मुख्यमंत्री तो भतीजे को बनना था। भतीजे अखिलेश से मिलने को तैयार चाचा शिवपाल सिंह, कहा एक बार फिर अखिलेश को सीएम देखने की इच्छा। एक हो जाएं तो बना लेंगे सरकार। विलय से इनकार, गठबंधन है स्वीकार, लेकिन बावजूद इसके जारी है तकरार। अब उसी सियासी प्रतिद्वंदिता से ये बात भी निकली है, उनकी ही जुबानी, मुख्यमंत्री तो हमें बनना नहीं है, उन्हें ही बनाना है। तब हमारी पार्टी फैसला लेगी, अभी तो वोट बढ़ने का समय है और समय आने पर हमारी पार्टी उस पर फैसला लेगी, किसे लड़ाना है, किसे क्या करना है। नेताजी का जन्मदिन आप एकता दिवस में मना रहे, बढ़ जाए तो अच्छी है, है? हम तो तैयार हैं, एकता बढ़ जाए। नेताजी, कल आपने क्लोज अप में कहा है कि 2022 का जो आपकी प्राथमिकता होगी समाजवादी पार्टी से गठबंधन की, तो चाचा तो कह रहे हैं कि भतीजे की जरूरत है, लेकिन भतीजे की तरफ से संकेत मिल रहा है कि आपकी उन्हें जरूरत है? देखिए, हमारा प्रयास है, आप भतीजे समझे, समझ लेना चाहिए। अगर समझ लेंगे तो सरकार बना लेंगे। मुख्यमंत्री हमें तो बनना नहीं, हमने पहले भी कहा था, मुख्यमंत्री तो भतीजे को बनना था। तो शिवपाल की दिली ख्वाहिश यही है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव फिर से यूपी के मुख्यमंत्री बने, फिर से पंचम तल की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे। अखिलेश की सियासी महत्वाकांक्षा भी तो यही है, लेकिन इन सबके बीच सवाल यही है, क्या शिवपाल यादव ने यूपी की मौजूदा सियासी परिस्थितियों के गुणा गणित का आकलन मूल्यांकन कर लिया है? तो उनकी कसौटी पर कौन सा कंक्लूजन निकला, और क्या शायद ये मानने लगे कि अखिलेश और उनकी पार्टी सपा यूपी में तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ती जा रही है, जनता का विश्वास बढ़ता ही जा रहा है। कहीं शिवपाल का दशकों पुराना अनुभव ये तो नहीं मानने लगा कि अखिलेश बीजेपी का आखिरी विकल्प है? तब हमारी पार्टी फैसला लेगी, अभी तो वोट बढ़ने का समय है और समय आने पर हमारी पार्टी उस पर फैसला लेगी, किसे लड़ाना है, किसे क्या करना है। नेताजी का जन्मदिन आप एकता दिवस में मना, बढ़ जाए तो अच्छी है, हैं? हम तो तैयार हैं, एकता बढ़ जाए। कल आपने क्लोज अप में कहा है कि 2022 का जो आपकी प्राथमिकता होगी समाजवादी पार्टी से गठबंधन की, तो चाचा तो कह रहे हैं कि भतीजे की जरूरत है, लेकिन भतीजे की तरफ से संकेत मिल रहा है कि आपकी उन्हें जरूरत है? देखिए, हमारा प्रयास है, अब भतीजे समझे, समझ लेना चाहिए। अगर समझ लेंगे तो सरकार बना लेंगे। मुख्यमंत्री हमें तो बनना नहीं, हमने पहले भी कहा था, मुख्यमंत्री तो भतीजे को बनना था, हैं? तो हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी, इसलिए प्राथमिकता है। हमने बहुत लंबे समय तक नेताजी के साथ से लेकर के समाजवादी पार्टी में काम किया है, हमारी विचारधारा भी है समाजवादी, हैं? हमारी विचारधारा उस समाज मूल जो भी विचारधारा है उसमें हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चल रही है। तो अगर सपा इनवाइट करेगी तो आप गठबंधन कर सकते हैं? गठबंधन पूरी हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी को, और फिर अगर नहीं होता है तो जो हमें सम्मान देगा उसके साथ प्रयास करेंगे। शिवपाल की अखिलेश के लिए ये बात बिल्कुल ही नहीं है। शिवपाल का ये बयान बड़ा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बयान को गोले में फेंक कर शिवपाल अखिलेश को 2022 के लिए संकेत दे रहे हैं, विलय की जिद को छोड़ गठबंधन करने के लिए कह रहे हैं। संकेत तो ऐसा ही दिखाई देता है, तभी तो शिवपाल कह रहे हैं परिवार में एकता बढ़ जाए तो ये अच्छा है। हमारा प्रयास है कि चुनाव में भतीजे समझ जाएंगे तो सरकार बना लेंगे, हम तो तैयार हैं। हमें तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, मुख्यमंत्री तो अखिलेश को ही बनना है। हमारी प्राथमिकता तो बस यही है कि सपा का परस्पर से पूरी तरह से गठबंधन हो जाए। तो मान लीजिए ये चाचा का अपने भतीजे के लिए एक ऑफर है, डील है कि दोस्ती कर लो, गठबंधन कर लो, मुख्यमंत्री तो तुम्हें ही बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।